व्यापार मंडी के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा मंडी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान अशोक कपूर ने बताया कि 29 अप्रैल को बिपाशा सदन मंडी में व्यापार मंडल के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों ने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा लें। व्यापार मंडल मंडी के पूर्व प्रधान अशोक कुमार ने मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 29 अप्रैल को बिपाशा सदन मंडी में जनरल हाउस पर चुनाव प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ महीने से पंजीकरण की प्रक्रिया चली हुई थी और अब तक 850 मेंबर व्यापार मंडल के बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं वह जल्द से जल्द अपना नाम पंजीकरण करवा लें। अशोक कपूर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की नॉमिनेशन शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि व्यापार मंडल मंडी के चुनाव 29 अप्रैल को बिपाशा सदन मंडी में आयोजित हो गए। चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पूर्व प्रधान अशोक कपूर ने व्यापारियों से अपील की है कि सभी व्यापारी पंजीकरण की प्रक्रिया में अपना सहयोग दें। हम 29 अप्रैल को बिपाशा सदन में जनरल हाउस और इलेक्शन का प्रोसेस करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने पिछले डेढ़ महीने से मेंबरशिप ड्राइव किया था और आज तक हमारे 850 के करीब मेंबर बन चुके हैं। और जो लोग इस प्रतिक्रिया में छूट गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शनिवार तक अपने रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि वो भी इस संस्था के सदस्य बने और आगे के कार्यक्रमों में भाग ले सकें। उसके लिए हमने चार जगह पर कॉपियां रखी हैं। एक है नरोत्तम फर्नीचर अपोजिट कंफर्ट होटल, दूसरी है ये आशुतोष चोपड़ा मोती बाजार, तीसरा है राज एंटरप्राइज नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथी है राज ये रिक्की मेयर जनरल स्टोर गांधी चौक के सामने, और सरिता अंडा बालकृपे में। वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने और इसके सदस्य बने। और बाकी जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसके लिए सोमवार से नॉमिनेशन पेपर अजीत कपूर जो गांधी चौक में दुकान है सुतोक सिंह जसवीर सिंह के साथ वहां से नॉमिनेशन पेपर ले लें और सोम और मंगलवार तक वो ले सकते हैं। फिर उसको वो बुधवार को दे और उसकी स्क्रूटनी करके हम 29 तारीख को उसका इलेक्शन कराएंगे। और यही सबसे अनुरोध है कि वो 29 तारीख में अपनी भागीदारी दें और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें।